फाइनली दोस्तों, अब आपका रिजिया इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अगर आप मैट्रिक या स्कूटनी का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो 2 से 3 दिनों में हो सकता है जारी। क्योंकि दोस्तों हम बता दें, यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे पहले यहाँ पे जो रखा गया था, 1 जून से 7 जून तक इंटर का डेट रखा गया था ऑनलाइन एडमिशन के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन फिर उसको आनंद किशोर जी बोले ये नहीं, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, तो इसके लिए 1 हफ्ता और बढ़ा दिया, अब 14 जून तक हो गया। लेकिन दोस्तों अब 2-3 दिन ही बचा है 14 जून का है, 14 जून होने में। इसलिए दोस्तों हो सकता है 1 से 2 दिन या आज रात को भी जारी हो सकता है, या कल भी रात को जारी हो सकता है, कल दोपहर में भी जारी हो सकता है। इसलिए बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। आप तैयार रहे चेक करने के लिए। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम वीडियो बना के आपको दे देंगे, आप आसानी से चेक कर पाइएगा। और उसके बाद आप यहाँ इंटर में एडमिशन करा पाइएगा, मतलब फॉर्म फिल कर लीजिएगा ऑनलाइन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिल नहीं करना चाहते, नहीं कर पाएंगे और आगे यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहते हैं इंटर में, तो फिर आपको आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगा। इसलिए दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आता है अपना नंबर देख लीजिएगा, लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करिएगा, वहाँ पर देखिए। और फिर यहाँ पर तुरंत OFSS की वेबसाइट पर जाके आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, नहीं तो साइबर पर चले जाइएगा, नहीं तो आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा दोस्तों।